हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आत्मकथा जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है इस कविता के प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था। कवि समझता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में यदि वह लिखेगा तो लोग उसको पढ़कर प्रसन्न होंगे। उसका जीवन अभावों से भरा हुआ है। कवि का जीवन कैसा है? अभाव है, उसमें दुख है और ये दुख वह लोगों के साथ बांटना नहीं चाहता है। उसके जीवन में किसी के प्रति कोमल भाव तो था लेकिन वह किसी को बताना नहीं चाहता है, इसलिए कवि नहीं चाहता है कि वह अपनी आत्मकथा लिखे। एक और प्रश्न आ जाता है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा क्यों कहता है कवि? कवि को लगता है कि उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं रही हैं, अपने जीवन में उसके कुछ अचीवमेंट्स भी नहीं हैं जिनके बारे में वह लोगों को बता सके, और जो उसके जीवन में कठिनाइयां आई हैं वह उन्हें छुपा करके रखना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि अभी समय भी नहीं। प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पाथेय का शाब्दिक अर्थ होता है संबल या सहारा, सहारा बनना किसी का या संबल यानी सपोर्ट। कवि के हृदय में किसी अति रूपवान व्यक्ति के लिए गहरा प्रेम बसा हुआ है, उसके प्रति उसके हृदय में मधुर यादें भी हैं और वह यादें ही उसके जीवन का आधार बनी हुई थी जिन्हें वह औरों के सामने प्रकट करना चाहता था और ना ही स्मृति रूपी सहारे को अपने से दूर करना चाहता था। यानी उसकी जो उसका प्रिय है उसके हृदय में उसकी यादें बसी हुई हैं और वह नहीं चाहता कि उन यादों को अपने हृदय से दूर कर दे। कवि के मन में जो मधुर यादें छिपी हुई हैं वह उसके सुख का आधार थी। प्रश्न है, श्री जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य नामक कविता की रचना क्यों की थी? तो इसमें एक चीज समझने की है, एक हंस पत्रिका हुआ करती थी, एक पत्रिका होती थी हंस जिसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने और प्रेमचंद जी उसके संपादक थे। सन 1932 में उन्होंने पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकालने का निर्णय लिया था। प्रसाद जी के मित्रों ने उन्हें आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगा और उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें आत्मकथा न लिखने की इच्छा थी उनकी। इस कारण से उन्हें आत्मकथ्य नाम से यह कविता लिख दी जिसे हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक में छापा गया था। और प्रसाद जी नहीं चाहते थे कि जो उनका जीवन है वो अभावों से भरा हुआ है उसके बारे में वो कोई आत्मकथा लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कवि अपने जीवन के किस प्रसंग को जग जाहिर नहीं करना चाहता था और क्यों? कवि अपने जीवन में जो प्रेम भाव था उसको जग जाहिर नहीं करना चाहता था क्योंकि वह कहता है कि उसका यह जो भाव है वही उसके जीवन का आधार है और उसे जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए वह सुख की स्मृतियों को अपने हृदय में बसा करके रखना चाहता है और लोगों को बताना नहीं चाहता है। प्रश्न आ जाता है, कवि ने अपनी कथा को भोली क्यों कहा है? कवि की कथा भोली क्यों? भोली का मतलब क्या होता है? सीधा साधा और विनम्रता से भरा हुआ। जैसा कि कविता से स्पष्ट है, आप देखते हैं कि कवि का जीवन कैसा था, सीधा साधा था। उसे नहीं लगता था कि उसकी कथा में कुछ विशेष लिखने की क्षमता है,
यानी कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वह अपनी आत्मकथा लिखे, और उसके जीवन में कुछ ऐसा भी नहीं है जिससे लिख करके वाही वाही भी प्राप्त की जा सके। इसलिए उसने अपनी कथा को कैसा कहा है, भोली कहा है। आप अपना आत्मकथ्य लिखिए, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, तो इस प्रश्न में आप अपनी पढ़ाई लिखाई बचपन आदि के बारे में लिख करके प्रश्न बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से सन में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का देहांत किस सन में हुआ था? इनका देहांत हुआ था 1937 में। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी का कौन सा पुरस्कार मिला था? कामायनी के लिए उन्हें मिला था मंगला प्रसाद पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक का नाम बताइए, उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि थे? उत्तर है छायावादी। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद काशी के कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? उत्तर है क्वींस, क्वींस कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक उपन्यास का नाम बताइए, उत्तर है तितली। प्रश्न है, कौन अपनी कहानी गुनगुनाकर कह जाता है? उत्तर है मधुप, मधुप का मीनिंग होता है भौंरा। मुरझाकर क्या गिर रहा है? कविता में मुरझाकर क्या गिर रहा है? पत्तियां, पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। प्रश्न है, किसका स्वप्न देखकर कवि जाग गया? उत्तर है सुख का स्वप्न देखकर के कवि जाग गया था। प्रश्न है, अनुरागिनी उषा कैसा प्रभात होता है? उत्तर है प्रेमपूर्ण। प्रश्न है, पंथा क्या है? पंथा है मार्ग, मार्ग यानी रास्ता।